हाँ भैया चलो, अब हम लोग सीखेंगे अणुभार निकालना। अणुभार कैसे निकाला जाता है? अगर केमिस्ट्री में आपको अणुभार निकालना नहीं आ रहा है तो आप कोई सवाल नहीं लगा पाओगे विलयन का, ठीक है? तो आपको अणुभार निकालना जरूर आना चाहिए। अणुभार देखिए, अणुभार निकाले, एटॉमिक वेट, इसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट कैसे निकाल? देखो, अणुभार निकालने के लिए सबसे पहले आपको परमाणु क्रमांक के साथ साथ आपको परमाणु भार याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है? जैसे मान लीजिए हमें H2SO4 का निकालना है, H2SO4 का निकालना है, हमें अणुभार निकालना है, अणुभार। अब हमें पता है हाइड्रोजन जो है एक नंबर पे होता है, उसका परमाणु भार कितना होता है? एक ही होता है, तो इसको लिखेंगे कितना हाइड्रोजन है अणु, इसके दो है, तो एक गुणे दो। प्लस सल्फर कितने नंबर पे है? 16 नंबर पे है, कितना? 16, तो इसका परमाणु भार कितना होगा? 32। प्लस दूना होता है, ऑक्सीजन है 8 नंबर पे है, तो इसका परमाणु भार कितना होगा? 16। अब कितना ऑक्सीजन है? 4, तो 16 × 4 हल कह लो, 2 × 9 = 2 प्लस 32 प्लस 16 × 4 = 64, कितना? 16 × 4 = 64। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 32 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा, प्लस 64। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 4 × 4 = 8 और 6 × 3 = 9, कितना आ गया? 98 आ गया, ठीक है? तो 34 और 64 दोनों जोड़ लिए तो आ गया हमारा 98। तो ये तुम्हारा